आजकेर आलोच्य विषय एलिजाबेथान जुगेर विख्यात प्रबंधकार फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जन्म 1561, मृत्यु 1626 ख्रीष्टाब्द। फ्रांसिस बेकन छिलेन फादार अफ इंग्लिश एसे और प्रोज। तिनी एकाधारे छिलेन फिलोसोफार, साइंटिस्ट, जुरिस्ट, स्टेट्समैन, ओराटर, ऑथर। तिनी आरो छिलेन एटर्नी जेनारेल एंड लर्ड चैंसेलर अफ इंग्लैंड। तिनी जे प्रबंधगुलोर जन्य विख्यात हये आछेन ता हलो नोभाम ऑर्गानुम, द न्यू अटलांटिस, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऑफ स्टडी, ऑफ ट्रुथ, ऑफ लव, ऑफ रिवेंज, ऑफ डेथ, ऑफ एनवी, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ फ्रेंडशिप इत्यादि। एबारे आमरा देखबो एई बिख्यात प्रबंधकारेर बिख्यात किछु उक्ति। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कन्फारेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एक्जैक्ट मैन। अर्थात पढ़ाशोना एकजन पूर्णांग मानुष गड़े तोले, आलापचारिता तैरी करे उपस्थित बुद्धिसम्पन्न मानुष एवं लेखालेखी एकजन सठिक मानुष तैरी करे। हिस्ट्री मेक्स वाइज मैन, अर्थात इतिहास ज्ञानी लोक तैरी करे। स्टाडिज सार्व फर डिलाइट, फर ऑर्नामेंट एंड फर एबिलिटी। अर्थात अध्ययन आनंदेर जन्य, सुंदरभावे कथा बलार जन्य एवं जीविका उपार्जनेर दक्षतार जन्य। साम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. अर्थात किछु बई आस्वादनेर जन्य, किछु गलतकरणेर जन्य एवं किछु चिबानो ओ हजम करार जन्य। Something from everything and everything from something. A mixture of lie does ever at pleasure. अर्थात सत्येर साथे एकटू मिथ्यार खाद मिशिए निले ता आरो आनंददायक हय। वाइफ्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेस, कम्पेनियन अफ मिडल एज एंड ओल्ड मेन नार्स। स्त्रीरा युवक मानुषेर रक्षिता, मध्य बयसी मानुषेर सहयोगी एवं वृद्ध मानुषेर सेविका। Unmarried men are best friends, best masters, best servants, but not always best subjects. अविवाहित लोक सर्वोत्तम बंधु, सर्वोत्तम नेता, सर्वोत्तम सहाय्यकारी, किन्तु सब समय सर्वोत्तम निर्भरयोग्य नय। It is impossible to love and to be wise. एक ही साथे प्रेम करा और ज्ञानी हवा असम्भव। अपरचुनिटी मेक्स ए थीप, सुजोगी मानुष के चोर बनाए। ए गुड फ्रेंड इज अनादर हिमसेल्फ। अर्थात एकजन भालो बंधु निजेई आरेकजन। रिवेंज इज ए काइंड अफ वाइल्ड जस्टिस, प्रतिशोध एक प्रकार बर्बर विचार। एबारे आमरा फ्रांसिस बेकन सम्पर्कित किछु एमसीक्यू क्वेश्चन्स देखब। नोभाम ऑर्गानुम इज रिटेन बाय Francis Bacon, who is considered to be the father of English prose. Francis Bacon is a famous essayist who wrote of study. Francis Bacon, who was the Attorney General and Lord Chancellor of England. Francis Bacon.